कोरोना काल में नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा कृषि उपज मंडी की सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी गार्ड को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। वहीं मंडी प्रबंधन ने इंदौर की थर्ड आई सिक्योरिटी कंपनी का ठेका निरस्त हो जाने से दर्जनों गार्ड पर बेरोजगारी का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में गार्ड लगातार अपने बकाया वेतन और रोजगार के लिए मंडी प्रबंधन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है। क्या समस्या जा रही है आपको? हम जो है कि 2 जून जुलाई की पेमेंट बकाया रह गई है, तो मंडी के साथ द्वारा साइन नहीं करे जा रहा है और 1 तारीख से सब गार्डों में बिठा भी दिया है, निष्कासित कर दिया है, तो रोजी रोटी की संकट आ रही सब परिवार में। थर्ड आई सिक्योरिटी के अंदर है, हाँ 1 तारीख से उसका टेंडर ख़त्म है। अभी तो कोई नहीं, अभी तो कर्मचारियों के भरोसे है। मंडी समिति ने प्रपोजल भेजा है लिख के, अभी मंजूरी होगी जब वो वगैरह लगाएंगे वहाँ से, जब मंडी बोर्ड में नया ठेका होगा वहाँ से जो आदेश आएगा वैसे आप लगाएंगे। पेमेंट अभी 2 जुलाई से बंद है हमारे, 2 महीने की पेमेंट नहीं हुई अभी। अभी तो हम यही है कि अभी पेमेंट करवाना है, नहीं बंद है। निष्कासित है सब, तो अभी थोड़ा परिवार का संकट है, खाने पीने की समस्या आ रही। हम भी यहाँ लगातार अभी तो 5-6 साल से काम कर रहे हैं। भैया समस्या ये है कि हम लोग 15-16 साल से संस्था में कार्यरत हैं, सिक्योरिटी गार्ड के पद पर हैं। इसके बाद हम लोगों को 1 अगस्त से बैठाल दिया है, तो जून जुलाई में हम लोगों ने ड्यूटी की है, उसका पेमेंट अभी तक नहीं कर रहे मंडी समिति वाले। सचिव साहब से बार बार बोलने के बाद सचिव साहब चेक पर दस्तखत नहीं कर रहे, तो हम लोगों का परिवार भुखमरी की करार पर। पेमेंट जून जुलाई की नहीं मिली साहब, थर्ड आई सिक्योरिटी उसका टेंडर ख़त्म हो गया, बेरोजगार हैं। और अभी जो 2 महीने की पेमेंट नहीं मिली इससे और ज़्यादा बेरोजगार है। उसके बाद आगे इसके लिए हम फिर 181 पे कंप्लेंट करेंगे। गाडरवारा से पवन कौरव की रिपोर्ट।